नमस्कार, न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। झारखंड के जामताड़ा में जंक फूड लेकर जा रहे कंटेनर में लगी भीषण आग, ग्रामीणों ने कंटेनर से सामान निकाला बाहर। बिहार के नालंदा में छात्र संघ चुनाव के दौरान छात्रों का हंगामा, चुनाव नतीजे के विरोध में की आगजनी, चुनाव रद्द करने की मांग पर अड़े रहे प्रत्याशी। झारखंड सरकार पर बरसे बाबूलाल मरांडी, हजारीबाग में ली प्रेस वार्ता, राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। और बिहार के बेतिया में सोलर सिस्टम से गांव रोशन करने की कवायद तेज, सोलर प्लांटेशन का काम शुरू। किसानों की आय दुगनी बढ़ाने को लेकर बिहार के माधोपुर कृषि विज्ञान केंद्र के परिसर में वहां के किसानों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना और उपज के साथ आय बढ़ाने के नुस्खे भी जाने। कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल उपस्थित किसानों को संबोधित किए। इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी शिलाजीत सिंह, मझौलिया कृषि पदाधिकारी संजय शर्मा, माधोपुर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर टीपी महतो, डॉक्टर कुमारी सुनीता, डॉक्टर अजित कुमार सहित सैकड़ों महिला व पुरुष किसान उपस्थित थे। एक पूरी ये योजना भी शुरू की गई, 5 एकड़ की जमीन में कैसे आय दुगुना की जा सकती है इसको दिखाने का भी तय हुआ, क्योंकि तो किसानों को केवल बोलने से कि भाई अपना उपज दुगुना कर दीजिए, उपज दुगुना नहीं होने वाला, यह हम लोग देखते हैं, सीखते हैं, तभी करते हैं। और इसीलिए कृषि विकास केंद्र को भी सब जगह पे बोला गया है कि आप 5 एकड़ में खेती करके खुद दिखाइए कि पहले कैसे दुगुना हो सकता है। आप लोग से मेरा एक अनुरोध है कि सॉइल मृदा जांच वाला जो कार्ड है वो जरूर अपने पास रखें। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह जेवीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हजारीबाग में प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि वर्तमान भाजपा सरकार झारखंड को लूटने और बर्बाद करने में लगी है। चुनाव के समय किए अपने सभी वादों को भूलकर सिर्फ लूट मचा रखी है। राज्य के शिक्षा व्यवस्था की हालत भी दयनीय हो चुकी है। राज्य में जब हमारी सरकार थी तब राज्य की जनता के लिए कई लाभकारी योजनाओं को लागू किया गया, उन सभी योजनाओं को वर्तमान सरकार के द्वारा रद्द कर दी गई है। हालांकि नगर निगम चुनाव में दिलचस्पी न दिखाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं को मुख्य रूप से आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ध्यान देने की जरूरत है। फिर भी अगर कार्यकर्ता नगर निगम चुनाव में दिलचस्पी है तो चुनाव की तैयारी कर सकते हैं। हमारे लिए प्रायोरिटी है इस राज्य का विधानसभा और आने वाला लोकसभा। नगर निकाय के चुनाव में हमने कार्यकर्ताओं को कहा है कि आप स्थानीय स्तर पर उसको देख लीजिए, लगता है कि अभी लड़ना जरूरी है तो लड़ो और नहीं तो फिर अभी छोड़ दीजिए। लेकिन इस प्रदेश के जो जब तक इस राज्य में और देश में सरकार नहीं बन जाती है तो देश को हम सुधार नहीं सकते। हम लोग भी लड़ सकते हैं तो लड़ना, हमने लोकल इकाई को छोड़ दिया उसके लिए हम सब लोग बहुत अधिक करो ये नहीं है इस समय, क्योंकि हमने कहा कि जनता को लड़ने दीजिए इसमें जितना जहां होगा, लेकिन हम लोगों की प्रायोरिटी है अगला जो विधानसभा और आगे लोकसभा का। छत्तीसगढ़ के चुनावी वर्ष का लोक समाधान शिविर का आयोजन चालू हो चुका है। इसी के तहत बिलाईगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत बंदारी गांव में लोक समाधान शिविर लक्ष्य समाधान का आयोजन किया गया, जिसमें बारी बारी से सभी विभाग से आए अधिकारियों ने लोगों की शिकायत एवं मांग का निराकरण करते हुए विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को लोगों के सामने रखे। इस समाधान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के विधायक सनम जांगड़े उपस्थित रहे, जिसमें बंदारी के बच्चों ने खेल मैदान का समलतीकरण की मांग की तो विधायक ने जनपद सीईओ को स्वीकृति देने की बात करते हुए खिलाड़ियों को 5,000 का खेल सामान देने की बात भी कही। तो वही ग्राम पंचायत सलिया घाट के ग्रामीणों को पीएम आवास नहीं मिलने से बहुत से ग्रामीण लोग दुखी दिखे और कहा कि आज सर्वे सूची और पीएम आवास सूची में नाम होते हुए भी किसी का भी पीएम आवास नहीं बन पाया है। इस शिविर में 10 पंचायत के लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें 2,918 आवेदन आए थे, जिसमें से 2,713 का निराकरण किया गया है। इस शिविर में 34 विभाग के अधिकारी कर्मचारी के साथ बिलाईगढ़ एसडीएम अंजोर सिंह पैकरा, जनपद सीईओ वैभव कुमार एवं 10 पंचायत के सरपंच सचिव उपस्थित रहे। आ रहे हैं जो पीएम यहाँ से, हम उनके नाम लिस्ट में नाम आ गई और अभी तक ले मतलब नहीं मिला थे हमन 2-3 जगह शिकायत कर चुके हैं, एक समस्या का समाधान मतलब विधायक जो भी शिविर में सचिव मतलब बोले भी हैं तब मतलब हम कोई समस्या का समाधान होबे नहीं करा थे।
और पता नहीं कहा है तो हमारे गाँव अभी तक ले एक तो मतलब पीए मास नहीं निकले मतलब है नहीं बनाते शौचालय वाला भी नहीं बनाते। सचिव सरपंच क्या बोलते? सचिव सरपंच अब हो जाए बस बोलते है और बात कोई ध्यान नहीं दो है और कुछ बोलता है चलो ठीक है और हम दो बार अभी मतलब जो रोजगार जो लगते नी तीन दिन के रोजगार सुराज उमा भी हमन मतलब डाल दे हमन पौतिल भी रखे है ना और बावजूद भी अब बोलता तो ये राय कही एक दू जगह बता दी बाकी बस होबे नहीं करे और पंचायत में भी हमारे जो है ना नाम लिख के रखते है इतना आदमी के आई कहके बावजूद ही हो आज हो कल हो बस बोला थे अब ले चौथा साल हो गए ना सरपंच पंचवर्षी और बावजूद भी कुछ काम नहीं होते। लोग समाधान शिविर आज बंदारी में संपन्न हुए। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन जी ने लोक सुराज अभियान के माध्यम से 11 मार्च से लेकर 31 मार्च तक यह लोक सुराज अभियान पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में चलना है और हमारे इस बिलाईगढ़ विधानसभा में 20 लोक सुराज के तहत शिविर संपन्न होना है। इसमें आज बंदारी में संपन्न हो रहा है। लोक समाधान शिविर में विभिन्न प्रकार के योजना का लाभ आम लोगों को मिल रहा है जिसको आप लोग अभी देखें। निश्चित ही ये समाधान शिविर में समस्या का निदान हो रहा है, जो समस्या है उसमें निदान करने का प्रयास किया। उसे लोगों में एक उत्साह उमंग है कि लोक सुराज लोक समाधान शिविर में समस्या का निदान हो रहा है। नागपुर भाजपा महिला मोर्चा नागपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष उर्मिला नेताम द्वारा छत्तीसगढ़ में मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक के वनांचल ग्राम कोथारी में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि उर्मिला नेताम ने अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उन्होंने यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमयन्ते के तर्ज पर कहा कि जहां महिलाओं का मान सम्मान होता है वहां देवताओं की शक्तियां निवास करती हैं। उन्होंने भाजपा सरकार के द्वारा महिलाओं को आगे लाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी अनेक योजनाओं से भी महिलाओं को अवगत कराया। सभा को महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष उषा वैष्णव ने संबोधित करते हुए महिला उत्थान की बात कही। इसी क्रम में भाजपा जिला मंत्री जमुना पांडे जी ने भी बताया कि किस तरह इतिहास से लेकर अभी तक महिला शक्ति का साथ हमारे देश के विकास में रहा है। नागपुर सेमरा कोथारी खरबना लाई सरभोक महाराजपुर लालपुर चैनपुर चौरी दंद लालपुर हर्रा बरबसपुर मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक के जनप्रतिनिधि एवं पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता समेत ग्रामवासी उपस्थित रहे। आज ग्राम कोथारी में महिला सम्मान समारोह रखा गया है। ये हमारी माताओं बहनों को जागरूक करने के लिए ये वांचल क्षेत्र है और यहाँ ऐसा कोई कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ है, तो मैं ये चाहती थी कि मैं हमारी यहाँ की माताओं बहनों को जागरूक करूँ और उनको आगे आने का कुछ अवसर प्राप्त हो, इसलिए यह कार्यक्रम मैं यहाँ रखी। झारखंड के बालूमाथ में रामनवमी पूजा और सरहुल पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में भाग लेने के लिए लातेहार एसडीपीओ अनुज उराव भी पहुंचे, जिसकी अध्यक्षता बालूमाथ सर्किल इंस्पेक्टर मोहन पांडे ने की, जिसमें सबसे पहले बताया गया कि बालूमाथ के सेरेगड़ा मासियातू मुरपा में अलग से 19 मार्च 2018 को शांति समिति की बैठक रखी जाएगी। साथ ही बैठक में सरहुल व रामनवमी का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में मनाने पर सहमति बनी। बैठक के दौरान प्रखंड क्षेत्र के सभी गांवों से पहुंचे बुद्धिजीवियों ने अपनी अपनी बातों को रखा और प्रखंड में सरहुल व रामनवमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाने को निर्णय लिया। बैठक में प्रबुद्धजनों ने कहा कि रामनवमी में प्रखंड के सेरेगड़ा चट्टी टोला बड़का बालूमाथ महावीर मंदिर तेली टोला मुरपा मोड़ पूजा समिति सहित कई स्थानों पर भव्य जुलूस का आयोजन किया जाता है। बैठक में इंस्पेक्टर मोहन पांडे ने कहा कि रामनवमी व सरहुल पर्व को आपसी भाईचारगी से मनाएं। बैठक में प्रभारी थाना प्रभारी राकेश मुंडा जिला परिषद अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहू स्थानीय निवासी रामजी सिंह शशिभूषण प्रसाद सुनील पांडे राजीव रंजन मोहम्मद इरफान मोहम्मद जुबेर मोहम्मद शकील मोतीउर रहमान समेत कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ कोरिया जिले के खड़गवा ग्राम में चनवारी डांड स्थित महामाया मंदिर जो अपने आप में चमत्कारी है। भक्तों का दुख हरने वाली मां महामाया जो आदिकाल से विराजमान है। चैत्र नवरात्र में 9 दिन मां के मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। चैत्र नवरात्र प्रारंभ होते ही महामाया मंदिर में दूर दूर से भक्तगण आते हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि मां के दरबार में जो भी आता है उसकी मनोकामना मां पूरा करती है। ग्रामीणों का कहना है कि राजा को सपना आया था और उसके तालाब में मां महामाया का पौराणिक मूर्ति जमीन खुदवाने से मिला। उस समय से ही माता जी की स्थापना की गई और पौराणिक काल से ही इस महामाया मंदिर का चमत्कारी स्वरूप देखने को मिलता है। घी तेल से 9 दिन का अखंड ज्योति भक्तों के द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। अष्टमी नवमी दशमी तिथि पर विशेष भंडारे की व्यवस्था भी की जाती है। यह मंदिर अपने आप में अनोखा है। ये बहुत ही पौराणिक मंदिर है। चैत्र नवरात्र में यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए। सबका मानना है कि यहाँ जो भी मांगो पूरी होती है। काफी दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए लोग आते हैं। बिहार में 17 मार्च को बक्सर जिला का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस को लेकर जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। गौरतलब है कि बक्सर जिला 28वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इस मौके पर बक्सर जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने शहर के मोहल्ले में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के साथ निश्चय योजना को बल और गति देने के उद्देश्य से जिले में लगातार अभियान के तौर पर कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बक्सर डीएम अरविंद कुमार वर्मा अपने लाव लश्कर के साथ खुद सड़कों पर उतरे और साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश देते हुए लोगों को भी जागरूक किया। सामाजिक कार्यकर्ता मीडिया के भाई बंधु आप सभी लोग यहाँ पे वार्ड नंबर 23 में आए हैं प्लस अन्य सभी वार्डों में अलग अलग टीमें गई हैं और सब लोग यही खुद हाथ बटा के खुद अपने हाथ से सफाई करके यही संदेश दे रहे हैं लोगों को कि स्वयं लग के अपने आसपास एरिया को स्वच्छ रखें। ये उदाहरण पेश करके लोग हम देख रहे हैं लोग यहाँ से लग भी रहे हैं। इतना गंदा यहाँ पे एरिया था तभी सफाई इसकी चल रही है। हम लोग और भी जगह भी चल के देखेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। एक उदाहरण एक सिम्बॉलिक तौर पर मैसेज देते हुए कि अपने आसपास के एरिया को वातावरण को लोग स्वच्छ बना के रखें क्योंकि इस स्थापना दिवस पर हम लोग का मेन थीम हम लोग यही रखे हैं कि स्वच्छता इस अभियान को लोगों को इसके तहत प्रेरित करना है जागरूक करना है। बिहार के बेतिया गौनाहा प्रखंड में चारों तरफ से घने जंगलों के बीच बसा भतुजला गांव अब दूधिया रोशनी से जगमग होने वाला है। सोलर प्लांटेशन का कार्य शुरू हो जाने से लोगों में हर्ष व्यक्त किया है। स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गौनाहा प्रखंड अंतर्गत धमौरा पंचायत के भतुजला गांव में आज विगत 10 दिनों से सोलर प्लांटेशन कर आजादी के बाद बिजली देने का कार्य चल रहा है। सोलर लगाने वाले जगह पर स्टैंड का निर्माण कर लिया गया है। वहीं सोलर लगा देने के बाद हर घर को बिजली मुहैया कराई जा सकेगी और बच्चे दूधिया रोशनी में पठन पाठन कर सकेंगे। सोलर प्लांटेशन लगाने में उत्पन्न हुई सबसे बड़ी बाधा जमीन की कमी को शिकारपुर स्टैंड के विपुल वर्मा ने जमीन दान में देकर उत्पन्न समस्या का हल निकाला और गाँव को बिजली मुहैया कराने में अहम योगदान दिया है। रोड के बिजली बत्ती पानी तो दुख के बात है। सामान कितना दिन से गिरल बा? सामान हो गए लखना 10 दिन अभी कुछ तैयार नहीं के भेल करते। ठेकेदार लोग कहाँ बा? आरोप लगावे कुछ हला के चल गेल बा। ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, कुछ का भी सुविधा नहीं है इस गांव में। और हमारे यहाँ का जो भी जनता है काफी परेशानी से जूझ रहा है। जो कि पानी की व्यवस्था कहा जाए तो पानी करीब 5 किलोमीटर दूरी से लेकर आ रही है औरतें और अपना जो भी कार्य कर रहा है सब 5 किलोमीटर दूरी से पानी ला कर रहा है। खान पान जो भी हुआ और बिजली की बात किया जाए तो हमारे जो भी प्रखंड में या पंचायत में सब जगह बिजली उपलब्ध हो गया है। और इस गांव में कहा जाए तो आज तक बिजली एक देखी भी नहीं गई है और बात किया जा रहा है कि यहाँ पर सब बिजली उपलब्ध हो गया है, ये बात सब झूठ है। हमने के ऐसा का बा कि यहाँ न नदी नाला कुछ भी नहीं है, न सड़क बा, न रोड बा, कुछ भी नहीं है, न पानी पिए विकास कोनो भी विकास नहीं है, न रोड तैयारी बा, हर तरह से मन हमने के कोनो बात के विकास नहीं है यहाँ के लिए। सुनिए अब बिजली जो ना आई बा तो मान के आज 10 दिन 15 दिन से गिरल वगैरह कोनो भरोसे नहीं है। कब हुई कब ना हुई नहीं है भैल कुल सामान तो एक नहीं है भैल तो नहीं कहल जाए। यहाँ अभी 10 दिन हुआ इस सोलर प्लांट को बैठे मैंने चल रहा है काम। जिम इंडिया जी बिहार न्यूज वाला सब आया और गलत खबर चला दिया कि यहाँ बिजली हो गया है, सोलर प्लांट बैठ गया है, पूरा घर घर में बिजली है, ये चला दिया, गलत खबर दे दिया। और देखिए अभी 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 ये 10 दिन से ये काम चल रहा है।
कहा जाता है कि इंसान को अपने पन का वास्तविक एहसास किसी के दूर चले जाने के बाद ही होता है। और जरा सोचिए कि दूर गया इंसान का वर्षों तक कोई पता ही ना चले तो उस परिवार पर क्या बीतती होगी। बताया जाता है कि देश में हर दिन हजारों लोग गुमशुदा हो जाते हैं और उनमें कई लोगों की दुर्भाग्यवश मौत भी हो जाती है, जबकि घर वाले इन सब बातों से अनजान रहते हैं। वही झारखंड सहित इनके आसपास के राज्यों में भी लवारिस लाशों की तादाद लगातार बढ़ रही है, जिनके परिवार के बिना ही अंतिम संस्कार करने की बेहतर पहल राज्य की कुछ संस्थाएं जरूर कर रही हैं। ऐसा ही एक संस्था हजारीबाग में मुर्दा कल्याण समिति के नाम से जन कल्याण के काम से शोहरत हासिल कर रहा है। लवारिस लाशों की लगातार बढ़ती संख्या के बीच संस्था का ये पहल काबिले तारीफ है। अब तक यह संस्था झारखंड राज्य में ही काम कर रही थी, लेकिन अब वेबसाइट के माध्यम से ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी अपनों से बिछड़े लोगों के अशकों से भीगे चेहरे पर आंसू पोंछने का काम करेगी। इंसानियत की मिसाल पेश करता यह संस्था व संस्था से जुड़े लोगों के जज्बे को सलाम। एक तरह से डेटाबेस तैयार हो जाएगा इससे, और जितने भी थाने हैं जिला में सब में इसका सूची उपलब्ध कराई जाएगी। और चूंकि मुर्दा कल्याण समिति के द्वारा इसका प्रस्ताव दिया गया है, तो उसको डीसीबी के साथ भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, जिससे कि उनकी शिनाख्त आसान हो और जो उनके रीति रिवाज हैं उसके दायरे में उनका विधिवत वो किया जा सके। 10 वर्षों से अज्ञात लवारिस शवों का अंतिम संस्कार करते आ रही है एवं अज्ञात लवारिस शवों का फोटो समिति के पास रहता है। आम जनता झारखंड के इस फोटो देखकर अपने परिजनों को खोज सके, उनके परिजनों की पहचान हो, इसलिए समिति ने एक वेबसाइट बनाया है। जिस वेबसाइट को बनाने में पूर्व आरक्षी अधीक्षक श्री अनूप बिरथरे जी का सहयोग रहा है। इस वेबसाइट को आम जन तक पहुंचाने के लिए मुफीद साहब एवं माको साहब का जो ग्रीन कॉटेज जो फाउंडेशन है वो आर्थिक सहयोग दे रहा है, और समिति का कोई आर्थिक सहयोग बराबर देते रहते हैं। लोगों के द्वारा लगातार ये प्रयास जारी रही है कि समाज कल्याण का हम काम करें, और मुर्दा कल्याण ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं मोहम्मद खालिद साहब के साथ में, और ये काम भी जो है सारे शहर के थानों में लगाया जा रहा है एसपी साहब महोदय के आदेश पे। इसमें भी हमारा योगदान है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आम जनता है उसको किसी तरह की दुश्वारी ना हो, आसानी हो अपने खोए हुए आदमी को खोजने के लिए, और गुमशुदा लाश या लावारिस मैयत को तलाश करने में आसानी हो उसके लिए आम जनता को इसका लाभ हो, है ना। इस बोर्ड को देख के इसके लिए हमने एसपी महोदय के आदेश पे इस बोर्ड को अपने सौजन्य से लगाया है। बिहार में नालंदा चंडी थाना इलाके के चैतीपुर गांव में विवाहिता को पति और ससुराल वालों ने 50,000 रुपए और सोने का चैन नहीं देने पर हाथ पैर बांधकर लाठी डंडे और लात घूंसे से बेरहमी से पिटाई करने के बाद घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद वह बेहोश होकर वहीं गिर गई। विवाहिता की गंभीर हालत को देखते हुए पड़ोस के लोगों ने इस बात की जानकारी उसके मायके वालों को दी। मायके वाले उसके ससुराल पहुंचकर उसे बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराए। पीड़िता की मां ने बताया कि अक्सर उसका पति 50,000 रुपए और सोने के चैन की मांग करता है, जिसके लिए बार बार उसके साथ मारपीट की जाती है। इतना ही नहीं, अन्नपूर्णा देवी के द्वारा बेटे की जगह बेटी जनने पर भी पति ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। पीड़ित की मां ने पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई में कोताही बरतने का आरोप लगाया है। फिलहाल महिला का इलाज बिहार शरीफ सदर अस्पताल में चल रहा है। तभी हेडमास्टर को लेके जाता है, हर तरह मैंने किसी को लेके जाता है बार बार, इसी तरह से मारता है। इस बार हद पार कर गया है। कैसे मारा? इस बार लड़की सोई हुई थी, बोली कि हम सोए आधी रात को, मैंने 11-12 बजे बीच में घुस गया और मैंने उसकी गोतनी पैर पकड़ ली और इसका पेट पर चढ़ गई, पति माँ ईटा से उसका सिर चूर दिया है। तो क्या वो बेटा उठा कर चाहता क्या था? बेटा का मां, वो बेटी हुई उसी समय से बेटा को कह रहा है कि मेरा बेटा था पेट में। पैसा भी? पैसा है, तो वो शादी की है उसी समय से, तुम्हारा बाप से पैसा मांग के लाओ। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर।
झारखंड में दुमका नगर थाना क्षेत्र के तेलीपाड़ा मोहल्ले में एक मकान में भीषण चोरी की घटना सामने आई है। इस घटना में चोरों ने जेवरात सहित 10 लाख रुपए हाथ साफ कर चलते बने। यह मकान पेशे से वकील शंकर शाह के बताए जाते हैं। इस घटना की खबर तब लगी जब मकान मालिक अपने घर में सारे सामान बिखरा पड़ा हुआ देखा। पीड़ित ने बताया कि दुर्गा पूजा में अपने किसी रिश्तेदार को इलाज कराने राज्य से बाहर गए थे। बंद पड़े मकान में चोरों ने इसी मौके का फायदा उठाया और पूरे घर में अपनी हाथ साफ कर घटना को अंजाम दिया। पुलिस को घटना की खबर मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। जैसे दरवाजा खोल के अंदर हुए हैं, जो चीजें हम लोगों ने देखी सामने में, पूरा अलमीरा टूटा हुआ था, सारा कपड़ा ऊपर फेंका हुआ था, सारा सामान फेंका हुआ था और कोई भी मतलब बोलिए छोटी छोटी चीज़ों को नहीं छुआ, खाली जेवर जो आपका पैसा उसी रोज में मेन उसका अटैक हो गया। दुमका तेलीपाड़ा में ये बंद पड़ा घर था, दुर्गा पूजा के बाद ही ये लोग इलाज के लिए बाहर गए हुए थे और आज सुबह लौटे हैं करीब 7:30 बजे। घर आने के बाद ये लोग देख रहे हैं कि घर का ताला टूटा हुआ है और ये जो सामने कमरा है इसमें से ऑर्नामेंट्स और रुपया चोरी होने की बात बताई जा रही है। अनुसंधान चल रही है, अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं, वो लोग भी अभी असेसमेंट कर रहे हैं कि कितने की चोरी हुई है। सारी प्रक्रिया होने के बाद ही ये बता पाया है कितने की चोरी। झारखंड में गुमला जिले के सिसई प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास में एक बार फिर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। सिसई प्रखंड के भूरसो पंचायत में पहामू गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में पंचायत सेवक के द्वारा 10,000 रुपए नहीं देने पर सूची से नाम हटा दिया जाता है। ग्रामीणों ने जिले के उपायुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। उपायुक्त जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने बताया कि एक टीम गठित कर जांच कराने की बात कही है। अगर रोजगार सेवक पंचायत पर सही पाया गया तो उन पर कार्रवाई करने की बात कही। घूस मांगे ना? हाँ। कतना मांगा थे तो हमसे पते नहीं। सर हमारे घर पास होल है लेकिन हमके निकलाते देते न। का कहत है? मांगे ना पैसा कौड़ी का कहो? के मांगे ला? अब ये मांगा थे के फिर जाने को तो जनसेवा छह जनसेवा मांगा था का करो? कितना मांगे पैसा? 10,000 रुपये मांगे ना। का कहो भजूर हमके घर दे का कहो? जी मेरा पंचायत में लूट का योजना चल रहा है, हर व्यक्ति से 5,000-10,000 रुपये कलेक्शन कर रहा है तब उसको प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जा रहा है, जबकि ये लोग चार व्यक्ति का सूची रूम एक नंबर में है, ये लोग का सूची काट दिया गया और सी डाटा में अपलोड नहीं किया गया। इन लोग से बोला गया कि पैसा लेकर आइएगा तब आप लोग का काम होगा, तब मैं इन लोग का लिखित आवेदन लेकर डी सी साहब के पास लेकर आया जनसेवक और मुखिया मांग कर। कितने पैसे मांगते हैं? 10,000 रुपये एक कंडीशन जी। तो क्या मतलब जो पैसे दे रहे हैं उनका जी उनका हो रहा है? और मामला है सीसे प्रखंड के भूरसो पंचायत की, यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में पंचायत सेवक और मुखिया के द्वारा 10,000 रुपये की मांग की जा रही है। जो पैसा दे रहे हैं उनका चयन किया जा रहा है, जो पैसा नहीं दे रहे हैं उनका कंप्यूटर एंट्री नहीं किया जा रहा है, डाटा एंट्री नहीं किया जा रहा है। आज भी जनता दरबार में 4-5 लोग आए थे, शायद नहीं मिल पाए हों। यही संबंध में हम लोग जाँच करके जाँचों पर अंत पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ के खरसिया में लंबित मांगों को लेकर आम जनताओं ने डीबी पावर प्लांट के सामने अनिश्चितकालीन आंदोलन किया। छत्तीसगढ़ एकता मंच के संयोजक रामकुमार यादव, मोहन दीवान व अलार्म जोलहे ने आसपास के गांव से आए आंदोलनकारी लोगों का सहयोग करते हुए अति शीघ्र मांगों को कंपनी को पूरा करने की बात कही। अगर पूरा नहीं होता है तो यह आंदोलन जारी रहेगा। यहां पर धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल अनशन जो चल रही है ये आज दूसरा दिन है जी। इसमें मैं जो है अपना जो है पूरे दल के साथ में समर्थन देने के लिए आया हूँ और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी समस्याओं को पावर प्लांट जो है यहाँ पर लगा करके जमीन लोग करके ऐसा लग रहा है कि इन लोग जो है यहाँ का मालिक बन गए हैं, सरकार भी चला रहे हैं, इस प्रकार के इन लोगों का जो है उदंडता जो मची हुई है, सरकार इसमें तत्काल जो है ध्यान दे करके इसमें निराकरण करे। इनका मांग कोई गलत नहीं है, जायज मांग है। इन लोगों का कहना है जो पानी जो बह रही है और यहाँ का गंदा पानी जो है प्राकृतिक नाला में जा रही है इसको बंद किया जाए। जो प्राकृतिक पहाड़ है कुर्रू पहाड़ जिसको इस क्षेत्र के लोग जो है अपने जो है मातृ इष्ट देव मानते हैं, उसको पूजा करते हैं, उसको काटा जा रहा है, उसको बंद किया जाए। इसी प्रकार से जो पाइपलाइन लाए हैं पानी लाने के लिए उसमें किसान का जो जमीन
को काट करके ऊपर कर दिया है, जिसमें जो है उसको खेती करने के लिए परेशानी जा रही है, उसको समतल किया जाए। झारखंड जमुआ थाना क्षेत्र के बददीहा गांव में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से 18 वर्षीय छात्रा गंभीर रूप से झुलस गई, जिससे उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। ग्रामीणों के सहयोग से उसे बोकारो रेफर किया गया है। युवती का नाम दीपिका कुमारी है। आग के कारण घर में रखे तमाम सामान जलकर राख हो गया। बताया जाता है कि दीपिका चाय बनाने के लिए गैस चला रही थी, उसी क्रम में गैस लीक होने से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण पूरे घर में देखते ही देखते आग फैल गई और घर पूरी तरह आग की चपेट में आ गया और पूरा घर जलकर खाक हो गया। जमुआ प्रखंड के बददीहा टू ग्राम के मिसरी में जो घटना घटी वो बहुत ही हृदय विदारक घटना है। बच्ची बीए की छात्रा थी और अचानक गैस सिलेंडर में आग लगने से बच्ची तो जली ही और उसका पूरा घर जल करके खाक हो गया। ऐसी अवस्था में ग्रामीणों ने बहुत साहस का परिचय दिया। यहाँ के युवाओं ने जैसे भी हुआ आग बुझाने का प्रयास किया, दमकल वाले को फ़ोन किया, एम्बुलेंस मंगाया। बच्ची अभी जमुआ से रेफर होकर के बोकारो बीजीएच की ओर ले जाया जा रहा है उसको बेहतर इलाज के लिए, और हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि बच्ची सकुशल वापस आ जाए। झारखंड के जामताड़ा में एक कंटेनर में आग लग गई। यह कंटेनर हावड़ा से मधुपुर कुरकुरे पॉपकॉर्न और आदि जंक फूड लेकर जा रहा था। इसी बीच जामताड़ा के कर्माटान बाजार के पास आग लग गई। लोगों ने ट्रक में लगी आग को देखकर उसमें लदे कुरकुरे पॉपकॉर्न आदि के बोरों को उतारा और ट्रक में लगे आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझ पाई। दमकल की गाड़ी को लोगों ने सूचना दी, लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी वह नहीं पहुंची। बिहार में मगध यूनिवर्सिटी का आज हुए छात्र संघ के चुनाव के दौरान नालंदा महिला कॉलेज में अनियमितता को लेकर छात्र जदयू ने बवाल मचाया। छात्रों ने जमकर हंगामा करते हुए सड़क पर टायर जलाकर आगजनी की। छात्रों का आरोप था कि कॉलेज प्रशासन की मिलीभगत से चुनाव का भगवाकरण किया गया। चुनाव परिणाम आते ही हंगामा शुरू हो गया। एबीवीपी चुनाव में सभी सीटों पर जीत हासिल किया, उसके बाद बवाल शुरू हो गया। छात्रों का आरोप था कि चुनाव में मोहर का प्रयोग नहीं होना था, लेकिन चुनाव में मोहर का प्रयोग किया गया। हंगामे को देखते हुए प्राचार्य ने चुनाव को रद्द करने की अनुशंसा की। झारखंड के गुमला जिले में चर्चित नीरज सिंह हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीण आक्रोशित होकर बसिया रांची व बसिया सिमडेगा मार्ग को अवरुद्ध कर प्रदर्शन किए। ग्रामीणों का आरोप है कि अभियुक्तों को पुलिस बचा रही है। इस हत्याकांड के विरोध में पूर्व में भी ग्रामीणों ने सड़क जाम किया था। पुलिस ने आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही गिरफ्तारी होगी, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। करीब 3 घंटे जाम के बाद आश्वासन मिलने पर जाम हटा लिया गया। बताते जब बसिया पुलिस कर मास के भुंजे के ले और पप्पू और कारू कर धुंधिया को उठाए के ले बसिया पुलिस चुपे चुपे ढूंढाए दले जेल मर्चुवा कर लुकाए दले बसिया पुलिस और पप्पू और कारू और मर हफ़ा चपट कर देंगे लसे खाने मर्चुवा के ये बसिया पुलिस का ये रहता है आज मरे पप्पू और कारू का लाइसेंस रद्द होना चाहिए और क्या बोलते हैं छोटा बाबू और बड़ा बाबू का नौकरी एकदम नौकरी से हटाना चाहिए। ऐसा प्रशासन नहीं चाहिए। अगली क्या कर रहा है वो लोग अगली पूछ रहा है। ऐसा प्रशासन हम लोग को पढ़ने को नहीं चाहिए। ऐसा घोष को नहीं चाहिए। ऐसा कितना पर नहीं चाहिए। ऐसा चोर नहीं चाहिए। विज्ञापनों की साधन की अगर हम बात करें तो अभी 21वीं सदी में जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, उसी को देखते हुए महाराष्ट्र नागपुर में डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ते हुए एजीएम कॉरपोरेशन डिजिटल एलसीडी का एक माध्यम नागपुर से पूरे भारत की ओर मुहिम चलाने के लिए तैयार हो गया है। यह एजीएम का उद्देश्य है कि जिस तरीके से बैनर अखबार से हटकर डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया एलईडी स्क्रीन के माध्यम से लोगों तक कनेक्ट कैसे होना है, उसका एक माध्यम एजीएम कॉरपोरेशन ने सामने लाया है। एजीएम का कहना है कि आपका विश्वास ही हमारी पूंजी है। आइए सुनते हैं एजीएम कॉरपोरेशन के डायरेक्टर सुशील कोल्हे का मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया के बारे में क्या कहना है। डिजिटल इंडस्ट्री के माध्यम से हम आज पूरे भारत देश के अंदर में डिजिटल को आज के तारीख में बड़े लेवल पे इसकी शुरुआत करते हुए और इसको हम लोग डिजिटल कर रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि
आज विज्ञापन के जो माध्यम है, आज हर चीज़ डिजिटल हो रही है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उनका भी कहना है, वो भी डिजिटल को प्रोत्साहन दे रहे हैं, और इस डिजिटल को प्रोत्साहन देने के लिए हम पूरे इंडिया को डिजिटल करने कर रहे हैं AGM डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। वो कैसे, हमारा मिशन पहले ये तो ये है कि हम पूरे इंडिया को डिजिटल करना है। दूसरा मिशन ये करना है कि जितने भी लोग हमारे इंडस्ट्री से जुड़ते हैं उनको एक बहुत बड़ा एक रोजगार भी स्थापन करके देना है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें INN24 पर। नमस्कार।